परिवार एक माला के समान होता है जिसके सभी मन के आपस में एक दूसरे से मजबूत से जुड़े रहते हैं। इनको जोड़ने का कार्य आपसी प्रेम एवं विश्वास होता है। ये दोनों तत्व जितने अधिक गहरे रंगे होंगे परिवार का आधार उतना ही सुदृढ़ होता है। जहां जलता हो विश्वास का दीपक और प्यार के फूल सजे हो, जहां अबीर गुलाल से चहू और खुशियों के बस रंग बिरंगे हो, जहां बाल गोपाल नाचे आंगन में आनंद की घंटी बजती हो, फिर झोपड़ी हो या महल वह घर ही होता है मंदिर, वह घर ही होता है मंदिर।
आने की क्या जरूरत थी? तुम अंदर जाके बच्चों के पेपर चेक करो, जाओ। मैं बोल रही हूँ, बाबू को मुझे दो। देखो, हो गया चुप। आपको ये चुप दिख रहा है? ये घुट रहा है, दिख नहीं रहा। आपने बोतल कैसे पकड़ रखी है? ठीक ही तो पकड़ रखी है। और अब तुम मुझे बताओ कि बच्चों को दूध कैसे पिलाते? मैं बोल रही हूँ, बाबू को मुझे दो। तुम अंदर जाके जल्दी से स्कूल जाने की तैयारी करो। माँ आने वाली होगी, तब तक बाबू को मैं संभाल लेता हूँ। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, मम्मी जी आते ही उपदेश की झड़ी लगा देंगे। और मैं एक टीचर होने के नाते किसी का उपदेश सुनना मेरे बस का नहीं है। आप मुझे दो। शाम का प्लान ध्यान में है ना? हाँ हाँ ध्यान है। माँ हेलो। हाँ हाँ जी, घर में अभी भाई साहब को हेलो। अरे हेमा, हेमा मेरा रुमाल देखा क्या तूने? किसका है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं मुरारी बोल रहा हूँ। हाँ वो जगह देखी है, अच्छी है। लेकिन वो आपने वृद्ध महिला आश्रम के वो उनके बारे में कुछ बताया नहीं। अरे रुक ना, सॉरी सॉरी, आपको नहीं। अच्छा हाँ, एक काम कीजिए, आप आफ्टरनून में फैक्ट्री में फोन कीजिए, उसके बाद में बैठ के डिटेल में बात करते हैं। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। हेमा क्या कर रही थी? अरे फोन पे बात कर रहा था और तू ये शर्ट खींच रही है। अरे मेरे कहने का ये मतलब था कि आप उस जगह को कैंसिल मत कर देना। आगे लगे तो वृद्ध महिला आश्रम की जगह तो क्या हुआ, उन महिलाओं की दूसरी जगह व्यवस्था कर देंगे। फिर भी मैं माँ से पूछे बिना कोई फैसला नहीं कर सकता। मम्मी जी का क्या संबंध इस मैटर से? कुछ भी हो, इस घर में कुछ भी करने से पहले माँ को पूछना जरूरी समझते हैं हम दोनों। हम दोनों? हम दोनों से आपका मतलब? मतलब मैं और नंदू। फिर तो आप धोखा खा रहे। नंदू और सुनीता आज ही विले पार्ले की हाउसिंग सोसाइटी में टोकन मनी दे के आए हैं। क्या बोल रही है तू ये? मैं सही बोल रही हूँ। क्या ये बात उन्होंने मम्मी जी को बताई है? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? मैंने ना सुनीता की डायरी पढ़ी थी। हेमा, अरे किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है, नॉट गुड। ठीक है ठीक है, मगर ये बात मुझे डायरी पढ़ने के बाद ही पता चली कि इस घर में कोई बात छुप नहीं सकती। ब्रह्म के सारे बादल छट गए। ठीक है, अब ध्यान रहे, इस बात का माँ को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? ठीक है, मगर आप भी इस बात का ध्यान रखिए,
कि वो जगह हाथ से जा ही ना पाए। वो जगह ना सबसे बढ़िया बंगले के लिए। ठीक है, मैं सोचूंगा। मुरारी बेटा। हाँ माँ। तो सबसे रुमाल रुमाल चिल्ला रहा था ना। अरे हाँ माँ, थैंक यू। अनंत तो ऑफिस चला गया? नहीं माँ। क्या लड़का है, कभी भी टाइम पे ऑफिस जाता ही नहीं है। और तू यहाँ क्यों खड़ा है, फैक्ट्री में हड़ताल है क्या? नहीं नहीं माँ, मैं बस अभी निकल ही रहा था। हाँ ठीक है। आ हेमा बेटा, जरा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देना, बाथरूम में पड़े। मैंने अभी अपनी नेल पॉलिश लगा रखी है। ठीक है। अच्छा सुन, आज तुम दोनों में से किसी एक का घर में रहना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, आप सुनीता को बोल दीजिए। क्या बोलना है सुनीता को? यही कि आज तुम दोनों में से किसी एक का घर पे रहना बहुत जरूरी है। सॉरी मम्मी जी, मुझे ना उस फ्लैट के बहुत सारे पेपर चेक करने हैं। ये बात भी है, तुझसे ज्यादा तो मुझे उन बच्चों की चिंता होती है जिनको तू पढ़ा रही है। कोई बात नहीं, जा। और मुझे भी एक शादी में जाना है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ही जाओ। मुरारी बेटा। हाँ माँ। ऑफिस जाने से पहले 1,00,000 रुपए का चेक मुझे देके जाना। हाँ माँ बोलना। किसके नाम से बनाना, आपके या पापा के? पापा का नाम क्यों, पापा को तो पेंशन आती है ना। अच्छा सुन, नाम मत लिख, वो मैं खुद लिख लूंगी, तू बस जाने से पहले देके जाना। हाँ ठीक है माँ, मैं जाने से पहले आपको देके जाऊंगा। अरे हेमा, हेमा। नंदू बेटा, अभी तक तू ऑफिस नहीं गया? बाबू रो रहा था और तू भी काम में लगी थी। अरे अभी नया नया प्रमोशन मिला है, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा कर। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे रुक, तेरे जूते में कितनी धूल है। जाने दे माँ, पॉलिश का टाइम नहीं है। रुक। रेलवे पास सब ले लिया। और घड़ी कहाँ है? सुनीता, सुनीता मेरी घड़ी लाना। ये ले। माँ तुम में छोड़ के आ रहा। माँ ये ले चेक। यार अमाउंट लिख दिया है, साइन कर दिया है, केवल नाम लिखना बाकी है। अच्छा ठीक है। ये चेक किसके लिए? बहू, ये सवाल पूछना जरूरी है। सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने बाबू को सुला दिया है। और हाँ, आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, पर जल्दी आने की कोशिश करना। अब इस पूरे घर का काम मुझसे अकेली से तो बिल्कुल नहीं होता। इतनी परेशान क्यों हो रही है माँ, हम एक नौकरानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे मैं हाँ। और सुनीता, मैं तो बताना ही भूल गई, आज एक बाई आएगी घर काम के लिए, उसे रख लेना। कौन है वो? वो हमारे स्कूल के सामने बैठी रहती है, उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर तो उसे जरूर भेज देना। मुरारी बेटा। हाँ माँ। इनको दादर तक गाड़ी से छोड़ देना। हाँ चलो चलो। मैं माँ, हम ट्रेन से चले जाएंगे। पर गाड़ी उसी साइड जा रही है, तो साथ में चले जाओ। मम्मी जी, गाड़ी भाई साहब की है। नहीं बहू, गाड़ी सबकी है। इसके कहने का मतलब है भाई साहब की फैक्ट्री की गाड़ी है। फैक्ट्री भी सबकी है नंदू, ये घर घर नहीं, एक मंदिर है। और यहाँ पर जो कुछ भी है, सब कुछ सबका है। ये तेरा मेरा, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, सुन लिया? ठीक है माँ, ये बहुत करता है तेरा मेरी है ना। चलो भाई साहब, चलो। नंदू। जी माँ। इधर आ। जी माँ। चिक। गलती से उठा गया। मम्मी जी, गायत्री दीदी की चिट्ठी आई है। गायत्री की चिट्ठी? हाँ, पोस्टमैन लेके आ गया अभी अभी। इतने दिनों बाद बेटी को माँ की याद कैसे आ गई? कुछ खास नहीं, अपनी डिलीवरी करवाने यहाँ आ रही है। ओ, तो आप करवाओगे क्या? सोचूंगी।
कोई है? अरे घर में कोई है या सब के सब चले गए? आप ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे बिना बताए? अरे क्या है, वो बिना बताए इसलिए गए, आज कुछ दोस्तों की पार्टी अरेंज करनी थी, उसके सिलसिले में चला गया। सुबह से दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना। तो क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए। अरे मेरे स्वास्थ्य की तू बिल्कुल भी मत चिंता कर, एकदम सॉलिड है सॉलिड। इसी बात का तो डर है, सारा सारा दिन बाहर घूमना फिरना, कहीं एक दिन क्या होगा, एक दिन, अरे क्या होगा एक दिन, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, यही होगा ना। लेकिन तू इसकी चिंता मत कर, अब मैं एकदम फ्री हूँ, क्योंकि दो लड़के हैं, दोनों अपने पैरों में खड़े हो गए। एक लड़की है, उसकी भी शादी होगी, भले ही वो मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी के खिलाफ की हो, अब मैं सारी जवाबदारी से मुक्त हो गया। और मेरी जवाबदारी का क्या होगा? मतलब? मतलब मेरी जवाबदारी तो आप पर है ना, या वो किसी और पर है? अरे क्या हुआ है? अरे तू चाय पिलाएगी या फालतू बड़बड़ करती रहेगी? देखिए मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये सारा सारा दिन बाहर घूमना, और जब से आप रिटायर हुए ना, आपके कदम एकदम घर पे टिकते ही नहीं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से इस नौ माया के दिलदार से छुटा हूँ, अब जाकर ये जिंदगी का मजा आया है। अरे चार दिन मुझे भी आनंद लेते थे, लेट मी एंजॉय माय लाइफ। जिंदगी जीने की क्या व्याख्या की है, लेट मी एंजॉय माय लाइफ। बाहर घूमना, बाहर खाना पीना, पत्ते खेलना। अरे तो पत्ते खेलता हूँ, इसका मतलब जुआरी थोड़ी हो गया है? तू समझ रही है, वो बिल्कुल भी बात नहीं है। ये तो देख क्या है, हम उम्र चार दोस्त मिलते हैं, गप सप लगाते हैं, अरे मालूम भी नहीं चलता है दिन कब पास हो गया, टाइम कब पास हो गया। तो एक काम करिए। हाँ बोल बोल। कल से मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तुमको? तुझे? हाँ, हाँ? मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तू हमारे साथ जेंट्स के बीच में बैठेगी तो क्या हुआ? अजी शादी के बाद जब मैं जवान थी, आपने मेरे सामाजिक काम सारे बंद करा दिए, और अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो कोई मुझे भगा कर भी नहीं लेकर जाने वाला। फालतू की बड़बड़ मत कर। देखिए आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए, आप लोग बातें करिएगा, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। बस इतना ही ना, और कुछ भी है? और अगर आप मुझे नहीं ले जाने वाले तो आप भी चुपचाप घर पे बैठिए। क्या करूंगा घर में बैठ करके, चावल चुकू या आलू छिलू? ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, आप तो बस जब मैं काम करती रहूं बीच बीच में मुझसे बातें करते रहा करिए। बस इतना ही। ऐ मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाग पन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाग पन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। ऐ मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे,
तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझके कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझके कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जी या और कुछ भी है? आपको मनाना तो बहुत अच्छी तरह आता है। एक बात और करनी है आपसे। बोल। अब एक नया मेहमान घर में आने वाला है, तो उसकी देखभाल की भी जवाबदारी आपके ऊपर रहेगी। मतलब गायत्री आने वाली है अपनी डिलीवरी के लिए। गायत्री किसी हुक्म से? मैंने बुलाया है उसे। मुझे बिना पूछे? पूछना क्या था, अपनी बेटी है, उसकी डिलीवरी हम नहीं कराएंगे तो क्या ये समाज का काम है? अरे जब से वो घर छोड़ करके गई है उस दिन से मेरे सारे समान तोड़ दिया उसे। मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। शादी तो की है अपनी मर्जी से, काली तो कर ली। काली का आवारा उसकी पसंद करेले को नींद पे चढ़ा रही है। मुझे भी दुख हुआ था, जब वो सुधर गया है तो हमें उसके लिए दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। फिर भी वो लड़की यहाँ पर आई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आएगी और जरूर आएगी। देखिए हम उसे नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? ठीक है, तेरी मर्जी हो वो कर। एक बात याद रखना, तू ये जो कर रही है वो बिना मेरी मर्जी के कर रही है, समझी? नमस्ते, मैं भारतीय महिला सहकारी संघ का सेक्रेटरी लक्ष्मी निवास जाजू। आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और मैं ऊपर चाय का इंतजार कर रहा हूँ। आइए। मेरे नाम तो विजय दर्शन का दिया था। आगे आपको मुझसे क्या काम था? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। ऐसा लग रहा है आपको पहले कहीं देखा है। आप भी पहले सेवा दल में काम करती थी ना? याद आया? जी हाँ। आप जाजू जी है ना? कितने बदल गए हैं आप। 30 वर्ष बीत गए, समय परिवर्तनशील होता है, समय के साथ साथ तो बदलाव तो होना ही है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? बस यही सोशल वर्क। एक बार जो आदमी समाज के कार्य में लग जाए तो उसको दूसरा काम अच्छा ही मिलता है। समाज का काम एक नशा है, नशा, और नशा जो एक बार लग जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। आजकल आप कौन से सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं? ये भी तो आपको बताया कि मैं भारतीय महिला सहकारी संघ का सेक्रेटरी हूँ और ये संस्था कुछ दिन पहले स्थापित हुई। इस संस्था में महिला कार्यकर्ता है, बहुत सारी महिला कार्यकर्ता, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं का नेतृत्व का भार संभालने के लिए उसकी जरूरत, इसलिए मैं आपके पास आया। मैं समझी नहीं। अरे मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्था का नेतृत्व का भार संभालते हुए आप हमारी संस्था का मार्गदर्शन करें, बस। मार्गदर्शन और मैं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या बात कर रही आप, अभी तो ये काम बहुत ही आसानी के साथ संभाल सकती है। वो कैसे? याद कीजिए 30 वर्ष पहले आप सभी संस्था के कार्यकर्ताओं के सामने आपने ये कहा था
कि मैं घर गृहस्थी में उलझी हूँ और हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, पहले मैं घर गृहस्थी संभालूंगी, इसके बाद सामाजिक कार्य का उत्तरदायित्व संभालूंगी। याद आया आपको? जी याद है। तो अब उस परिस्थिति से उबर चुकी है, अब तो आपका पूरा परिवार सेट है। बड़ा लड़के का कारखाना है, छोटा लड़का बैंक में मैनेजर है और आपकी छोटी बहू टीचर है और आपके पतिदेव 2 साल पहले ही रिटायर हो चुके। तो आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा है। आपका घर घर नहीं, एक मंदिर है, मंदिर। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर इस वक्त इस घर की बहुत जिम्मेदारियां है मुझ पे, बहुत जवाबदारी है। एक जवाबदारी ये भी है, 4 महीने का पोता है, अब सोशल वर्क से ज्यादा इस घर को मेरी जरूरत है। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। अरे बच्चा रो रहा है, इसको संभाल। थोड़ी देर आप संभाल लीजिए। माफ करिएगा, मैं अभी मजबूर हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफी जिम्मेदारियां हैं और इस घर को मेरी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, नमस्ते जी। रुकिए, ये चेक आपकी संस्था के लिए। हमारी संस्था को पैसों की जरूरत नहीं थी, हमारी संस्था को पैसे देने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते। अच्छा वो सुनिए, जो वृद्ध आश्रम हमने खोला था कैसा चल रहा है? जाते जाते एक बात बताना भूल गया आपको, कि जो 30 वर्ष पहले वृद्ध आश्रम, वृद्ध महिला के लिए आश्रम खोला गया था, वो अब जल्दी ही बंद होने वाला। क्या? हाँ, क्योंकि उस जगह को जो डोनेट किए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके लड़के अब उस आश्रम की जगह बेचना चाहते हैं। तो आपको उनके विरुद्ध मोर्चा लेकर जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपके पास आया था कि आप महिला मंडल का मोर्चा का नेतृत्व का भार संभालते हुए मकान मालिक के बंगले तक मोर्चा ले जाने के लिए। है कोई बात नहीं, आपकी समस्या है। ले संभाल इसको, कितनी देर से रो रहा है। और सुन, मैं चाह कलम में जाकर ये 1,00,000 रुपया का चेक, अरे किसी भी को, किसी भी संस्था को देने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लिया कर। कर तेरी इच्छा हो, मैं तो ये चला क्लब के अंदर। मेरे संग मुंडिये नच के दिखा।
शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा, आहा शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा। पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना तू ही देख रही है। अरे बूढ़े औरतें जवान बच्चे सब तुझे ही घूर घूर के देख रहे थे। अभी फालतू हो गई बात, अब ये बताओ कि उस एग्रीमेंट का क्या हुआ, लेकर आए हो या नहीं? कौन सा एग्रीमेंट? वो ही जो हमने बात की थी सुबह। अच्छा अच्छा वो एग्रीमेंट। हाँ। अरे वो उसके मालिक ने ना वो सौदा कैंसिल कर दिया, उनको कोई और ग्राहक मिल गया। मुझे सपने को ना दूर से मिला दिया। मैंने पता कितने बड़े-बड़े सपने देखे थे कि हॉल में पेंटिंग लगवाऊंगी, राधा किशन फूल वाली, और पता है बालकनी में ना पौधे लगवाऊंगी अच्छे अच्छे फूल वाली, और पता है आपको उस जगह से ना तेरे मामा का घर भी केवल 10 मिनट की दूरी पे था। मेन प्रॉब्लम वो थी, उसके माँ बाप का घर वहां से 10 मिनट की दूरी पे था। माँ को पता चलेगा ना तो वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। उस आश्रम से मम्मी जी का क्या लेना देना है? हेमा, माँ के लिए होश में बात किया कर, पर आजकल क्या है ये बढ़ चढ़ के बात करने लगे है तू। आप भी तो बढ़ चढ़ के बोलने लगे मैं आपके प्यार में। मेरे प्यार की परवाह है आपको? क्यों, क्या नहीं है तेरे पास? किस चीज की कमी रखी है मैंने तेरे को? हर चीज तो तेरे पास है, गहने कपड़े दागिने सबका मान लगा रखा है। गहना कपड़ा दागिना ये सब नहीं होता है औरत के लिए।
वो भी अपनी इच्छा अनुसार घर सजाना चाहती है, और यहाँ एक सोफे का कवर भी लगाना हो ना तो वो भी मम्मी जी को पूछना पड़ता है। आपका खाने का टिफिन वो भी मम्मी जी तैयार करेगी, हमें तो सिर्फ यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के रखी है। हेमा, तू समझती क्यों? अरे जॉइंट फैमिली में ये सब कॉमन बात है, और फिर तुम तो भाग्यशाली हो जो इस तरह की सास मिली तुमको। बहुओं के काम में दखलअंदाजी नहीं करती, पूरे घर का पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। यही तो तकलीफ है कि बहुओं की जिम्मेदारी लेकर बहुओं को ही चल रही है। अगर यही तेरी भावना है तो कर, कर तेरे मन मुताबिक, जो तेरा दिल चाहे वो कर। एग्रीमेंट है मुझे। और ये इधर उधर की बात करने से अच्छा है थोड़ा घर के काम में ध्यान दे। मैं भी पार्टी से थक कर आई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हेमा, अरे तुम लोग कब आए? माँ बस अभी भी आए हैं, तू ऊपर ही थी माँ। हाँ, बाबू के साथ बातें करते करते आँख लग गई। भारी हो की माँ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ तबीयत ठीक है। कितना बज गया? दस बज गए। दस बज गए? अरे क्यों, क्या हुआ? खाना ही नहीं बना है अभी तक। हेमा जल्दी से कपड़े चेंज कर ले बेटा, मैं आलू काट देती हूँ, तू रसोई में आ जा। ओहो मम्मी जी, मैं बहुत थक कर आई हूँ, मुझसे काम नहीं हो सकता। अरे पर थोड़ी मदद तो करेगी ना? आपकी प्यारी लाडली बहू आती होगी ना, उससे ही कह दीजिए। जब तक सुनीता आए तब तक तो मदद कर दे। नहीं हो सकता मुझसे काम, आपको बोला ना मैंने, फिर भी आप कह रही है मदद कर मदद कर। मुरारी, ये बहू का स्वर इतना बदला हुआ क्यों है? आइसक्रीम ज्यादा खा ली है? अरे नहीं माँ, तू अंदर जा। माँ चेंज करके आती है, और माँ पार्टी में मैंने कुछ खाया नहीं, तू मेरे लिए कुछ बना ना माँ। हेमा ये क्या बदतमीजी है? अरे माँ से इस तरह से कोई बात करता है क्या? इट इज नॉट फेयर। आप ही तो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो, आपको मेरी कदर है क्या? मैं भी पार्टी से थक कर आई हूँ, फिर भी कह रही है मदद कर मदद कर। क्या सासू हुकुम फरमाने के लिए होती है? अरे तेरा ये बढ़ चढ़ के बोलने का कारण क्या है? माँ ने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि मेरी मदद कर। इस घर में मैं ही क्यों दिखती हूँ आप लोग को? सुनीता को तो कोई कुछ नहीं बोलता, उसी तो बड़ी फैसिलिटी दी गई है। कारण कारण उसके बेटा हुआ है और मेरे नहीं। ये औरतें भी है ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है, दिल का काट कर देती है। अरे सुनीता को फैसिलिटी देने का कोई कारण ही नहीं है, वो नौकरी करती है, बच्चों को पढ़ाने स्कूल में जाती है। स्कूल ना 4:30 बजे बंद होते और आप पूरे 10 बजे चले। लेकिन वो जाते वक्त माँ को बोलकर गई थी ना कि वो एक ट्यूशन करके आएगी। ये ट्यूशन व्यूशन ना सब बहाना है, वो भाई साहब के साथ पिक्चर देखने गई है। हेमा बेफिजूल की बातें मत कर, सुनीता ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे वो माँ को झूठ बोल ही नहीं सकती। अरे वाह, सुनीता पर इतना विश्वास? मेरा कहने का मतलब है कि सुनीता को अगर पिक्चर ही जाना होता तो वो माँ से पूछ के भी जा सकती थी, झूठ क्यों बोलेगी माँ को? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, तू भी झूठ नहीं बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक काम कर, तो ये बात तेरे तक ही सीमित रख, हाँ माँ को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने उसके पर्स में 2 टिकट देखी। अब तू उसके पर्स में भी? मैंने उसके पर्स में 2 टिकट देखी या नहीं देखी, ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि सासू माँ को बगैर पूछे पिक्चर जाना, और पहले भी 2 बार पिक्चर जा चुकी है। मम्मी जी आप, मैं कपड़ा बदल कर आती हूँ अभी। माँ, हेमा के पेट में कोई बात बचती नहीं है, वो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है माँ। मुरारी बेटा, आज मेरे मन में डर सा बैठ रहा है, मुझे तुम लोग पराए से लग रहे हो। अरे माँ तू भी है ना, ये छोटी मोटी बातें हैं, हंस के टाल दिया कर। और वैसे भी मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं है, ये छोटी छोटी बातें दिल पे ले ले। पर तुम लोग भी तो
छोटी छोटी बातें मुझसे छुपाने लग गए। माँ हो सकता है सुनीता पूछना भूल गई हो। अरे पूछ कर जाती तो क्या बिगड़ जाता। माँ ये भी तो हो सकता है ना कि हेमा को कोई बात समझ में नहीं आई हो। माँ लेकिन तू चिंता मत कर माँ, आने दे उस नंदू के बच्चे को, उसका कान खड़ा करूंगा। और माँ तू है ना ऐसे रहना जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं है, आज वो घर का पूरा काम उन दोनों से। अरे माँ काम से याद आया, वो सुनीता एक काम वाली बाई को लाने वाली थी, वो आई क्या? हाँ आई थी, मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों माँ? अरे वो मेरी सहेली निकली, उसके बेटा बहू ने उसे घर से निकाल दिया है। ऐसे नालायक बेटों को तो हंटर से पीटना चाहिए, जो माँ बाप पर जुल्म करते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। माँ अगर तेरे हाथ में ये कानून आ जाए तो तू ऐसे बेटों को क्या सजा देगी? मुरारी बेटा माँ सजा देती नहीं है, सजा लेती है। ओ माँ इसलिए दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है मेरी। विषय पर चर्चा हो रही है माँ से भाई साहब? तेरे ही विषय पे हो रही है, आ जा। मम्मी जी कैसा है बाबू, आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? देखिए उसके लिए ना टॉनिक लेकर आई और आपके लिए भी। ट्यूशन से आते समय ना फूल वाला दिख गया था तो सोचा लेते चलूं, अब खुश हो जाओगे। नहीं लाती तो ज्यादा खुश होती। क्या मतलब? इस फूल गुड़िया के साथ पिक्चर की दो टिकट भी है। माँ हम फिल्म गए थे, अचानक प्रोग्राम बन गया था। मगर सुनीता तो कह रही थी उसे ट्यूशन पे जाना है। मैंने ही उसको ऐसा कहने के लिए कहा था। मगर क्यों? हाँ प्रोग्राम अचानक बन गया था। नंदू झूठ मत बोल, टिकटें पहले से लाई गई थी। हाँ हाँ गए थे, किसने बताई आपको ये बात? जरूर किसी ने चुगली की होगी। पर बात तो सही है ना? हाँ हाँ गए थे, इसमें क्या बिगड़ गया? अरे बताकर जाती तो क्या बिगड़ जाता, मुझे इस घर का काम करने में या मुन्ने को संभालने में कोई तकलीफ नहीं होती। घर का काम करने के लिए या बाबू को संभालने के लिए किसी को भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज ही एक नौकरानी भेजी है। गंगूबाई 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 वो बाई कहाँ है? कहीं उसे सामान लाने भेजा है? नहीं मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों? वो मेरी सहेली निकली। तो क्या हुआ? तो सहेली को नौकरानी बना के रख ली थी। नौकरानी नहीं तो सहेली बना के रख लेते, काम वाली भाई को हाथों हाथ वापस भेज दिया। अब इस घर का काम आप संभालो या आपकी लाडली बहू संभाले। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं समझी? क्यों? आप तो ज्यादा लाडली है ना। और सुनो ये चुगली बुगली करना ना अब तो बंद कर दो। ये चुगली करने वाली बात ही नहीं, सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। आप चुप नहीं बैठ सकती हैं क्या? तुम चुप नहीं बैठ सकती हो क्या? तुम चुप रहो। चुप रहो तुम, चुप रहो चुप तो चुप चुप तो चुप 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 मम्मी जी ये आपकी गलती है, काम वाली बाई को ऐसे हाथों हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए था। बहू तू उसे काम वाली बाई नहीं बोलेगी। अरे भाई ये किस चीज की स्टैंडिंग मीटिंग चल रही है? अरे कोई तो बताओ। कुछ नहीं मुरारी, नंदू अपने अपने कमरे में जाओ, हेमा सुनीता रसोई में आओ मेरे साथ। अरे भाई कोई तो बताओ ये क्या सीरियस मैटर चल रहा था, ये मीटिंग किस चीज की हो रही थी? मैं बताऊं पापा जी? हाँ बोल बेटा बोल। मैं आज एक ना नौकरानी लेकर आई और मम्मी जी ने उसे वापस भेज दिया ये बोलकर कि मेरी सहेली है। वेरी बैड वेरी बैड, भाई ऐसा करोगे तो बेकारी कैसे दूर होगी? वेरी बैड। बहू वो विषय बंद हो चुका है। ऐसे बोलने से विषय बंद नहीं होगा, कल सुबह उठते ही वही काम की किट होगी। हाँ सही बात है भाई, वो काम के लिए आई थी तो उसे रख लेना चाहिए था।
आपका कोई दोस्त अगर काम करने आ जाता तो क्या आप उसे रख लेते? अरे भाई मेरे दोस्तों पर ऐसी विपदा आने वाली नहीं है, सब के सब पेंशनधारी हैं, रिटायर होके आनंद ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं। घर का काम करने के लिए तो औरत ही मजबूर है। मेरे को लगता है समाज सेवा का फिर से इसको नशा हो गया है। काम वाली भाई को नौकरी नहीं दी, सही बात है, और दर दर भटकने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया। बहू तू उसकी चिंता मत कर, मैंने उसे बहुत अच्छी जगह भेजा है। क्या मतलब? मैंने उसे ऐसी जगह व्यवस्था कर दी है जहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमें भी तो पता चले ऐसी कौन सी जगह है। महिला वृद्ध आश्रम में। क्या? तुम दोनों कैसे झटका क्यों लग गया? अरे उसके मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है और वहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन माँ वो आश्रम तो क्या हुआ उस आश्रम को? वो उसका मालिक सुना है वो बेच दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी टिकी नहीं है, वो सुबह वही संस्था से आदमी आया था, वो बता के गया। हो गया ना घोटाला? किस चीज का घोटाला? वो जगह मैंने खरीद लिया माँ। क्या? हाँ माँ, आज ही एग्रीमेंट बना है। मुरारी तुझे क्या बोल रहे है? एक बार मुझे बताता तो सही। आपको क्या बताना था, हमने बंगला लिया बस। बंगला? बंगला बनाना है वहाँ पे उस वृद्धाश्रम की जमीन पे? मुरारी बेटा नक्की करने से पहले एक बार पूछ तो लेता। आपको क्या हर बार पूछनी पड़ेगी? बहू तू किससे बात कर रही है? मुरारी तू तू तो मेरी आज्ञा के बगैर आज तक कोई काम नहीं किया, पर आज माँ मैं आपको बताने ही वाला था कि एग्रीमेंट होने के बाद तू गलती को सुधार, एग्रीमेंट को फाड़ दे, नहीं चाहिए हमें वो चक्कर। हमें चाहिए बहू। मेरे समझ में नहीं आ रहा तू इतनी बेबस क्यों हो रही है, हैं? अरे भाई खरीद लिया तो खरीद लिया। मुरारी बेटा पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। उसी प्रकार इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। बेटा परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन बेटा संस्कार चले जाएंगे। हाँ पापा आप सही कह रहे हैं। माँ माँ मुझे समझने की कोशिश कर। माँ अब पता चल गया ना आपको, गलती एक तरफ से नहीं हो रही है। हमने क्या गलती की? बंगला हमने सबके लिए लिया, अकेले के लिए नहीं। अगर हमें लेना होता ना तो हम 2 BHK ही ले लेते। प्लीज क्या प्लीज प्लीज अपनी वाइफ को बोलो प्लीज। और हमने जगह लिया बंगले के लिए तो मम्मी जी नाराज हो गई, आपने तो पहले से बुक कर रखा है 2 BHK। हेमा सही बोल रही है। माँ हार मत लगा मुझे। मैंने क्या कमी रखी थी तुम लोगों को पालने पोसने में, जो आज तुम लोग मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल। मैंने तो इस घर को मंदिर की तरह बनाया, तुम लोग मंदिर को ही तोड़ना चाहते हो, उससे दूर जाना चाहते हो। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। माँ माँ मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करूंगा माँ। और मैं भी माँ Thank you.
मुरारी, नंदू, सही बोल रहे हो ना तुम लोग? तो तू एग्रीमेंट फाड़ दे, तू बुकिंग कैंसिल कर और सारे पैसे वापस लेकर आ जा। ये बात होने वाली नहीं है। सुनीता, बेमतलब की बातों में उलझ रहे हैं। अभी तो बंगला बनने में 4 से 5 साल लग जाएंगे और हमारी सोसाइटी को भी बनने में भी काफी टाइम है और 4 से 5 साल होने वाले गांव को भी मम्मी जी आज ही सलटा रही है। मुरारी, नंदू, तुम लोग मेरी बात मानोगे या नहीं? जब जरूरत नहीं है तो आदमी को शांत रहना चाहिए। अरे चुप रहना चाहिए। तू भी चुप रह, एकदम शांत हो गया। शांत जी।
से सब सो रहे हैं हैं? अरे कोई गर्मी है या सब कैसे बाहर गए मेरी तरह? ठीक है भाई, अरे कोई है तो चाय बना के लेके आओ। गया बाढ़ में। ये बता घर की औरतें सब कहाँ गई? भाभी का तो पता नहीं, सुनीता किचन में खाना बना रही है। अच्छा, और आपकी माता श्री? माँ तो दो दिन से ऊपर ही है, और सुनाथ का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, खाना भी ऊपर ही खा रही है। हैं? एक काम कर, जा आवाज लगा कि मैं आया हूँ, मेरे लिए चाय लेके आए। अरे मेरा गूगल देखा क्या किसी ने? याद करो कहाँ रखा है। कहीं भी रखा हो, लेकिन मुझे ऑफिस जाने से पहले टेबल पे मिल जाया करता है। पर पता नहीं दो दिन से इस घर में क्या हो रहा है, कभी मोजे टाइम पे नहीं मिल रहे, कभी टॉवल टाइम पे नहीं मिल रहा, कभी खाना तो भूल ही जाओ। अरे ये हो क्या रहा है? आपको पता नहीं है क्या? माँ रूठ कर बैठी है। माँ वो रूठ के बैठी है? अरे अपनी माँ का रूठना अपने बाबू के रोने जितना है। अरे पर वो ये क्या कर रहा है? क्यों मतलब तेरे जूतों को पॉलिश करते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ तुझे। तेरे जूतों की पॉलिश माँ क्या करती थी मुझे भी आज ही पता चला। अरे यार छोड़ो तुम लोग ये बातों को, तुम लोग लड़के कोई काम के नहीं हो। अरे जाओ भाई मेरे लिए चाय लेके आओ। जा तेरी माँ को आवाज लगा, खड़ा हो, छोड़ इनको। हाँ हाँ और मेरे लिए भी जा। माँ माँ पापा बुला रहे। ऐसे बोल, माँ बाबू रो रहा है। माँ पापा रो रहे। अरे पापा नहीं यार, बाबू रो रहे। सुनीता का सत्याग्रह चालू रहेगा तो माँ को फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्या जमाना आ गया है, बच्चों के एग्जाम आते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं और टीचर छुट्टी मनाते हैं। बाहर एजुकेशन। बाबू रो रहा है, जरा उसे देखो तो। हाँ जरूर, इतनी सी बात के लिए तुम्हें हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? अरे अरे देख ले, अभी भी पहले रात में ये नहीं तो रोटी ढंग की नहीं बन रही है। ससुराल में आने के बाद से तो जैसे खाना बनाने की आदत ही छूट गई हो। किसी को लंका का नक्शा देखना हो तो आ जाओ। बेटा इस रोटी को क्लास में लेके जाना स्कूल में, और भूगोल के पीरियड में बोलना बच्चों ये लंका का नक्शा। क्या पापा जी आप भी ना मजाक करने लग गए। लगता है तवे पर दूसरी रोटी भी जल गई। भाग, दूसरा नक्शा तैयार हो रहा है। मैंने शिल्पा शिरोडकर की याद नहीं दिलाई आपको, वो पैंट की याद दिलाई है। फालतू बात मत कर, चल। तुम लोग कोई भी काम के नहीं हो, दोनों के दोनों फालतू बात कर रहे हो। अब मेरे को खुद को ही इलाज चाह बनाने के लिए जाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा उसको। अरे
अरे आराम से बाबा। ओ आइए आइए आइए। ओ बेटे आपके कैसे मिजाज? बोलो रायली साहिबा बोलो, आपके मिजाज अच्छे करने के लिए इन दोनों में से किसको 14 वर्ष का वनवास दिया जाए? उसको। अरे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूँ, जा मेरे लिए चाय लेकर। क्या घर में दो दो बहुएं हैं, उनके हाथ की पी लो। ये बात तू मुझको बोल रही है? नहीं, ये बात मैं सबसे कह रही हूँ कि अपना अपना काम सबको खुद को करना है, मैं बस मार्गदर्शन करूंगी। माँ तूने क्या शुरू कर दिया हम लोगों पर इतना गुस्सा? माँ मम्मी जी प्लीज आप ऐसा मत करो, मुझसे तो एक रोटी भी ढंग की नहीं बन रही है। और माँ मुझे कोई भी चीज है ना अपनी जगह पे नहीं मिल रही है। मम्मी जी मेरा तो हालत ही बुरा है, कल पता है आपको बाथरूम में कपड़े धोने बैठी तो इनकी शर्ट का कॉलर है ना हाथ में आ गया, और बर्तन साफ करने बैठी तो दो कप टूट ही गए, और मुझे ऑफिस की जल्दी में बाबू को लेकर बैठना पड़ता है। माँ तेरा गुस्सा अब तो शांत हो गया है ना? अरे तुम लोगों को किसने कहा कि मैं गुस्से में हूँ? नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में, और फिर भी माँ मैं ना इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सबकी तरफ से क्यों भाई साहब, मेरी माफी मैं खुद मांगूंगा। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं बिल्कुल ही गुस्से में नहीं हूँ? माँ तू गुस्से में नहीं है, तू खड़ी हो ना माँ, देख इनके चेहरे देख माँ, कैसे मासूम की तरह बेचारे लाचारों की तरह देख रहे हैं तेरी तरफ माँ। मुरारी नंदू मैं इस घर के किसी भी काम को हाथ लगाने वाली नहीं, मैं 2 दिन पहले नोटिस दे चुकी हूँ। नोटिस दे चुकी है? अरे तू कोई म्युनिसिपैलिटी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मेंबर है जो नोटिस दे चुकी? मैं 2 दिन पहले ही आप सबको बता चुकी हूँ कि मैं इस घर के किसी भी काम को हाथ लगाने वाली नहीं। अरे माँ लेकिन वो तो तूने गुस्से में आके बोला था। अब गुस्से में आके बोला हो या बिना गुस्से के, लेकिन नोटिस तो नोटिस ही होती है ना, वो चाहे पोस्ट ऑफिस से है या घर के दरवाजे पे चिपका दी जाए, मजरूम तो वही रहेगा। अब तेरी इच्छा हो वैसे कर, कितना ही मनाओ तेरे को तू मानने वाली नहीं है। अरे 30 वर्ष से मैं तेरे को जानता हूँ, तू है जिद्दी एक नंबर की जिद्दी, मैं ठीक है मारी चाप लूंगा दोस्तों के साथ। अरे गायत्री जी, गायत्री दीदी, देख रहे हो।
अब मैं जाऊं।